नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और न्यूज 19 के न्यूज रूम से मैं लाइव हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। चाकसू में एक हादसा हुआ है, कल रीट का एग्जाम होना है और उस एग्जाम को देने के लिए कुछ बच्चे 12 से सीकर जा रहे थे और उसी दौरान चाकसू के पास एक भयंकर हादसा हो गया जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ये सब लोग एक इको वैन में सवार होकर जा रहे थे और निमोड़िया मोड़ के पास, नेशनल हाईवे 12 है ये, इस पर निमोड़िया मोड़ के पास ये हादसा हो गया। जो इको वैन है वो पीछे से ट्रक के अंदर लग गई और 6 बच्चों की मौत हो गई। ऐसे हादसे लगातार होते रहते हैं जब इस तरह के बड़े एग्जाम प्रदेश में होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश की बात हो, तो इनमें कमी कैसे लाई जाए, ये हादसे बंद कैसे हो, क्या सरकार कुछ इसमें कर सकती है, क्या खुद छात्र थोड़ा सा परहेज रख सकते हैं कि समय पर पहुंचने के लिए जल्दबाजी करते हैं और इस तरह के हादसे घटित होते हैं, इस पर राय लेंगे। मेरे कुछ सहयोगी हैं न्यूज़ रूम में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रोहित जी से। रोहित, एक बड़ा हादसा हुआ है और 6 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, क्या आप सोचते हैं, क्या ये हादसा टल सकता था, क्या कुछ ऐसे प्रयास सरकार की तरफ से या छात्रों की तरफ से हो सकते थे कि बेवजह इन बच्चों की जान ना जाती? सोचने की बात तो ये है कि देखो, सरकार ने कई तरह के ये जो साधन उपलब्ध करवाए हैं, जैसे 3000 बसें भी उपलब्ध करवाई है, कई निजी बसें भी उपलब्ध करवाई है, मेट्रो भी उन्होंने फ्री करवाया। अब ये एक अप्राकृतिक घटना है जिसका प्रकृति से कभी भी किसी भी से लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये लगातार हादसे होते रहते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती होती है ड्राइवर की, क्योंकि ड्राइवर को पूरा मानसिक संतुलन में रहकर वो ड्राइविंग करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो पीछे बैठे रहते हैं वो निर्भर रहते हैं ड्राइवर के ऊपर, तो ड्राइवर को पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। किसकी लापरवाही लगती है आपको इसमें, क्या ड्राइवर की लापरवाही है या फिर सरकार की तरफ से इंतज़ाम ही ऐसे किए गए कि बच्चों को हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता है? देखो, इसमें सरकार की कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो पूरा बंदोबस्त किया है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सरकार ने तो पूरी तरीके से छूट भी दे दी, क्योंकि 3000 से भी ज़्यादा बसें उन्होंने फ्री कर दी कल के लिए, और लो फ्लोर भी फ्री कर दी है, और इसमें मेट्रो भी फ्री कर दी है, तो सरकार की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। और बात रही कि सेंटर दूसरी जगह देने का, क्योंकि गर्ल्स का जो सेंटर है वो तो अपने गृह क्षेत्र में दिया गया है, और जो लड़के हैं उनका दूसरी जगह सेंटर, गृह जिले से अलग सेंटर, बाहर सेंटर दिया गया है। क्योंकि ये इसलिए दिया गया है क्योंकि नकल को रोकने के लिए, नकल के गिरोह को रोकने के लिए ही वो सेंटर चेंज किया गया है। जी जी, चलिए, शुक्रिया रोहित आपका। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आम जनता नहीं जानती है, लेकिन सरकारें कुछ अलग तरीके से एक कदम आगे की सोचती है और उसी हिसाब से इस ये सेंटर आवंटित किए जाते हैं, निर्धारित किया जाता है कि तमाम चीज़ों को देखकर नकल रहित बनानी है, फर्जी परीक्षार्थी भी नहीं बैठने चाहिए, सीसीटीवी का भी बंदोबस्त करना पड़ता है, परिवहन का भी करना पड़ता है, सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को देखनी पड़ती है। करतार सिंह हमारे साथ हैं, करतार सिंह जी से बात करते हैं, उनकी क्या राय है। करतार जी, जानना चाहेंगे किसकी गलती आपको लगती है, क्या इसमें सरकार दोषी है या फिर ड्राइवर की गलती है या फिर बच्चों की गलती है कि उन्होंने गलत वक्त चुना, रात के वक्त वो रवाना हो गए पेपर देने के लिए जबकि एग्ज़ाम तो उनका कल होना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें सरकार की गलती ना बताते हुए इसमें एक ड्राइवर की गलती महसूस हो रही है कि जब सरकार ने पूरे बंदोबस्त किए हैं, ट्रेन जाने की जगह जहां तक ट्रेन पहुंच पाएगी वहां पर सरकार ने ट्रेन में पूरी व्यवस्था की है, आने जाने के लिए फ्री व्यवस्था की है, उसके बाद में सरकार ने 3000 से ज़्यादा बसें भी लगाई है, उसके बावजूद भी स्टूडेंटों को इतनी कितनी जल्दी हो रही है कि वो एक दिन पहले एग्ज़ाम के लिए निकल चुके हैं। आपको पता है जब रात को ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो सुबह के समय तो नींद के झोंके आएंगे, नींद का नशा एक सबसे बड़ा नशा है जो ड्राइवर, यानी आपको पता है रात भर जो गाड़ी चलाएगा तो सुबह के हालात कुछ ऐसे होते हैं कि नींद की झपकियाँ झलकियाँ कुछ ज़रूर आने शुरू हो जाती है। यही झलकियाँ यही आपको देखने को मिली है कि जो ट्रोला आगे आराम से चल रहा था पीछे से ड्राइवर ने गाड़ी ठोकी है। अब इसको आप समझ सकते हैं कि नींद का एक झोंका था, इसी एक ड्राइवर की नींद के झोंके की वजह से 6 मासूम बच्चों की जान चले गई और 5 अभी गंभीर रूप से घायल है। जी, तो करदार जी, क्या आपको लगता है कि कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे इतनी दूर ना देखे, जैसे कहाँ 12, कहाँ सीकर, और इस तरह ही ना जाने कहाँ राजगढ़ है, कहाँ उनका उदयपुर सेंटर है, कहाँ जोधपुर सेंटर बच्चों को दिया गया, यानी कि सैकड़ों किलोमीटर। और वैसे भी राजस्थान तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ
जो एक जिले से दूसरे जिले की दूरी है वो 100 किलोमीटर कम से कम है, बहुत दूर है जो जिलों के बीच की दूरी है, तो वो भी काफ़ी हो जाता है। तो क्या कोई संशोधन करने की ज़रूरत है कि गृह जिले में ही परीक्षाएं करवाई जाए और कुछ ऐसा सिस्टम, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे परीक्षा नकल रहित अच्छे तरीके से करवाई जा सके और गृह जिले में ही बच्चों के एग्जाम हो सके? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो दूर दूर जो सेंटर जो बच्चों के जो दिए जाते हैं वो सिर्फ एक नकल से सावधानी के लिए दिए जाता है। अगर स्थानीय जगह ही अगर एग्जाम का सेंटर आ जाए तो एक ये पूरी तरह से यानी पूरी टिप्पणी के वो रहते हैं, पेपर लीक की संभावना होती है। और यहाँ से जो बच्चे यानी सीकर ज़्यादा दूर नहीं है, राजस्थान में आपको पता है कि जयपुर ही 60 से 70 किलोमीटर के आसपास में तो जयपुर बसा हुआ है, तो सीकर और बारा में कोई ज़्यादा दूरी लंबाई नहीं है। लेकिन बाद बाकी स्टूडेंट को इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए कि वो रात को ही एग्जाम के लिए निकल पड़े, एक दिन दो दिन पहले एग्जाम देने के लिए निकल पड़े। आपको पता है कि यानी स्टूडेंट के मन में भी ये चलता है कि अपन एक दिन पहले पहुंचेंगे तो अपना सेंटर अच्छे से देख पाएंगे, वहाँ की व्यवस्था देख पाएंगे। लेकिन जब सरकार ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है तो सरकार की जो भी यानी सुविधा है उनका लाभ भी लेना चाहिए स्टूडेंट को। शुक्रिया करतार जी। तो हो सकता है कि उन बच्चों को ये जल्दी हो कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर जाकर देख लिया जाए ताकि अगले दिन दिक्कत ना हो, हो सकता है रहने खाने पीने की दिक्कत हो उसके मद्देनज़र वो पहले पहुँचे हो कि बाद में कहीं धर्मशाला ना मिले, होटल ना मिले, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। रतिराम जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे चैनल की एक अहम कड़ी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रतिराम जी, वाकई दर्दनाक हादसा हुआ है, आपका नज़रिया इस पर क्या है? देखो मेरा नज़रिया तो मैं आप सबको दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सरकार ने सारी व्यवस्था ट्रेनों की बसें की सारी जो व्यवस्था की है सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और उसी के अनुरूप बच्चों को ध्यान देना चाहिए। ये जल्दबाजी में जो बच्चे अपनी व्यवस्था देख के अपने विकलों से आ रहे हैं वो सावधानी बरते हुए है। ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं, क्या कुछ इसमें बदलाव हो सकता है? आपकी क्या दृष्टि है कि शिक्षा बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा बदलाव हो कि इतनी लंबी दूरी तय ना करनी पड़े? नहीं, मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ने कोई व्यवस्था की कसर छोड़ी हो। जहाँ तक जो लगे व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सरकार ने की है, ट्रेनों की व्यवस्था सरकार ने की है, बसों की व्यवस्था सरकार ने की है, अगर अब की बार जो सबसे अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने, शायद मुझे तो कोई ऐसा लगता नहीं है कि जो अव्यवस्था हो। चलिए शुक्रिया। तो सरकार की गलती नहीं बता रहे हैं रतिराम जी, क्योंकि 26 लाख के करीब बच्चे, 26 लाख कहने को ये आंकड़ा बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब 500,000 की भीड़ इकट्ठी होती है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या माहौल होता है। 26 लाख बच्चे अभ्यर्थी है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अब उनमें से देख कितने पहुँचेंगे, लगभग 10-20-30 या 50 हज़ार बच्चे कम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 25 लाख के करीब बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। उनके रहने की, खाने की, पीने की ये तमाम व्यवस्थाएँ सरकार ने बाकायदा अपील की थी कि समाजसेवी संस्थाएं वो भी आगे आए। सरकार खुद, देखिए मुख्यमंत्री ने खुद बेड़ा संभाल रखा है, जब सीएम स्तर से, सीएम ऑफिस से इस तरह के एग्ज़ाम को हैंडल किया जा रहा है तो शायद अव्यवस्था नहीं है वहां पर। लेकिन बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे रात को वहाँ से क्यों निकले? क्या वो कल नहीं आ सकते थे, फिर आज शाम दिन में नहीं चल सकते थे? कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है। पुलकित सक्सेना हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या व्यक्तिगत राय है। पुलकित, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, आपने तो इस खबर को कवर भी किया है, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए इसके अंदर ना तो सरकार की गलती है और ना ही जो कैब ड्राइवर है उसकी गलती है, क्योंकि ये सब एक परिस्थितियों का खेल है। अगर देखा जाए तो परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी क्योंकि 26 लाख जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगभग लोग एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो जब वो एक साथ सड़कों पे उतरेंगे तो कितना ट्रैफिक और कितने लोग देखने को मिल सकते हैं। तो कई लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पहले जाने की सोची, किसी ने व्यवस्था ना होने के चक्कर में बाद में जाने की सोची, या किसी ने पहले जा करके उसी दिन जाने की सोची। तो ये सब एक परिस्थितियों का खेल है, जो होना है जो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। इसमें ना सरकार की गलती है और ना ही इसमें कैब ड्राइवर की गलती है। चलिए शुक्रिया पुलकित। तो इनका कहना है कि सरकार भी इसमें कहीं दोषी नहीं है, बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है, ये एक अप्राकृतिक हादसा है जो घटित हो गया, कोई नहीं चाहता था, शायद वो उस कैब वैन का ड्राइवर भी नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का हादसा हो। लेकिन रात भर ड्राइव करने के बाद सुबह का वक्त ऐसा होता है कि झपकी लग जाती है, शायद नींद आ गई थी और इसी वजह से ये हादसा घटित हुआ है। 6 बच्चे इसमें उनकी डेथ हुई है, पहचान हो गई है, पुलिस की तरफ से पहचान कर ली गई है। और मैं आपको नाम भी उनके बता दूं, पहचान उन आप करवा देता हूं कि कौन कौन वो बच्चे हैं, किनका नाम है।
इस लिस्ट में शामिल हैं। विष्णु नागर हैं जो हरिबल्लभ नागर के बेटे हैं, 26 साल इनकी उम्र थी। ये मृतक हैं जिनके मैं नाम बता रहा हूँ। तेजराज हैं राजेंद्र मेघवाल, तेजनाथ उर्फ राजेंद्र मेघवाल और रघुनाथ के ये बेटे हैं, इनके पिता का नाम रघुनाथ है। सत्यनारायण पुत्र छोटू राम, ये निवासी गोवर्धनपुरा। और वेद प्रकाश पुत्र ब्रिज मोहन मीणा। और इसके बाद सुरेश हैं जो जिनके पिता का नाम रामगोपाल है। और फिर दिलीप मेहता, ये पुत्र भूपेंद्र मेहता हैं। ये सभी 12 के रहने वाले थे और पेपर देने के लिए पहुंच रहे थे। जो घायल हुए उनमें नरेंद्र, अनिल बैरवा, भगवान नागर, हेमराज बैरवा और जोरावर सिंह पुत्र राम प्रताप भील, ये शामिल हैं। तो ये डिटेल इसमें अभी तक आई थी, जांच अधिकारियों ने ये डिटेल समय भेजी थी और जो हमने आपको बताई है कि जिन 6 बच्चों की इसमें डेथ हुई है और जो 5 इसमें घायल हुए हैं। तो मेरे साथ न्यूज़ रूम लाइव से फ़िलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा और अपडेटेड खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।